दोस्तों, चाची की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आलू के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। वैसे तो आलू के पराठे सबको बनाने आते हैं, लेकिन मैं ये उन नए लोगों के लिए ये रेसिपीज लेके आई हूँ जो खाना बनाना नहीं जानते हैं और वो धीरे धीरे सीखते हैं। तो उनको ये बताऊंगी कि आलू के पराठे कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले हमने मीडियम साइज के आलू लिए, फिर हम उनको उबालेंगे। तो देखिए कैसे उबालेंगे। ये देखें दोस्तों, हमने आलू उबाल लिए हैं। इनको चेक कैसे करेंगे कि ये आलू उबला हुआ है या कच्चा है, इसके लिए हम चाकू का इस्तेमाल करेंगे। अगर चाकू हमारा पूरा चला जाता है तो समझो आलू हमारा उबल चुका है। अच्छा, आलू उबालने का तरीका ही बताती हूँ कि ये हमने मीडियम साइज के आलू लिए हैं। इनमें थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, एक गिलास पानी भी बहुत रहता है। और उसके बाद कुकर को बंद कर दिया जाता है और बाद में गैस, तेज गैस पे इसे रखा जाता है। तेज गैस पे इसको रखा जाता है और उसके बाद क्या करते हैं कि कुकर का हम ढक्कन लगा देते हैं। और इसमें क्या होता है कि जिन्हें उबालने का तरीका नहीं आता है या उनके समझ में नहीं आता कि कैसे उबालेंगे, आलू खराब ना हो जाए या कच्चा ना रह जाए या फट ना जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जब हमने कुकर बंद कर दिया है तो गैस को ऑन करने के बाद जब हमारे कुकर में एक सीटी लग जाए, ऐसे तो ये 3-4 सीटी में बहुत आराम से उबल जाएंगे। तो ये तो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका अंदाजा है, लेकिन फिर भी जिन्हें नहीं है तो हम एक सीटी लेके गैस को अपने को हल्की कर देंगे और टाइम देख के 10 मिनट बाद उस गैस को हम बंद कर देंगे। तो हमारे आलू इस तरीके से उबल के तैयार हो जाएंगे। देखो ये आलू फटा भी नहीं है। आलू फटना नहीं चाहिए क्योंकि आलू के अंदर पानी चला जाता है, जिससे कि हमारे पराठे अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे। खासतौर से वो लोग नहीं कर पाएंगे जिन्हें पराठे बनाने नहीं आते, तो उसके लिए पूरा बैलेंस बनाना जरूरी है। ये देखिए हमारे आलू उबल के तैयार है और मैंने इन्हें छील लिया है। अब हम इनको इस तरीके से मैश करेंगे। कद्दूकस करना चाहे कद्दूकस भी कर सकते हैं, और कुछ लोगों को आलू की पिट्ठी थोड़ी मोटी पसंद आती है तो वो इसको मोटा भी तोड़ सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से कि हमें बारीक रखने हैं, मीडियम टाइप के रखने हैं, या थोड़े थोड़े से कहीं कहीं हल्का सा मोटा बना है, तो वो जैसा भी आपको करना है वो अपने हिसाब से करना है। मैंने ये आलू मैश कर दिए हैं, मेरे आलू मैश हो गए हैं। और उसके लिए मैंने देखो पहले से ही हरी मिर्च काट के रख दी है। हरी मिर्च का अपना स्वाद है, जिसको जरूरत हो वो डालें, जो नहीं खाते वो ना डालें। थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया मिलाया है क्योंकि थोड़ी सी सफेद लाल हरे रंग की पिट्ठी बहुत सुंदर लगती है, स्वादिष्ट लगती है। और उसके बाद मैं स्वाद के अनुसार इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, थोड़ी सी नमक डालूंगी, और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह, ये चीजें जिनको जो खाते हैं वो डालें, जो ना खाते हो तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है। थोड़ी सी खटाई स्वाद के लिए, और धनिए का भी यही मानना है। बहुत अच्छा, धनिए के लिए भी यही मानना है, जिसे धनिया पसंद हो वो डालें और जो नहीं पसंद वो ना डालें। तो ये देखिए ये हमारी आलू की पिट्ठी बनके तैयार है। इसको इस तरीके से हाथ से मैश कर लेंगे अच्छी तरह, इससे मसाले मिल जाएंगे बहुत अच्छे से। और मसाला आप अपने स्वाद के अनुसार बनाएंगे। आप तेज मसाले खाते हैं तो तेज डालिए, और कम मसाले खाते हैं तो कम डालिए। बस मेन है कि आपको आलू उबालना आना चाहिए और पिट्ठी कैसे बनाई जाती है वो आना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ आलू का पराठा कैसे बनाया जाता है। मैंने पहले से ही आटा लगा के रख लिया है।
ये मेरा आटा तैयार है। इसका जो आटा होता है बहुत कड़ा भी नहीं होना चाहिए। और मैंने गैस को देखिए पहली ऑन करके रखा है, मेरा तवा गरम है, सारी चीज की मेरी तैयारी है। और अब मैं एक टेढ़ी लूंगी, इस लोई को जैसे कि मैंने अपने पहले उसमें पहले एपिसोड में बताया है कि इस तरीके से हम लोई बना लेते हैं। और इस तरीके से सूखे आटे में करके सूखे आटे में करके इस तरीके से हम थोड़ा सा ले लेंगे, ज्यादा नहीं। और जिन्हें नहीं आता वो दो परत का पराठा बना सकते हैं, क्योंकि जिन जो नए लोग होते हैं उनको ये इस तरीके से बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। और जिन्हें नहीं आता, अभी दो परत का भी मैं बता दूंगी आपको। इस तरीके से हमने इसको बंद कर दिया, बंद करके हाथ से दबा दिया। हाथ से दबा के जब हम कोई, बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि हमारा आटा बहुत कड़ा नहीं होना चाहिए जब हम कोई भी भरवा पराठा बनाते हैं। थोड़ा सा मीडियम होना चाहिए इस तरीके से, जिससे कि हम उसमें पिट्ठी अच्छी तरह, बहुत हल्के हाथों से इसको घुमाएंगे, क्योंकि अगर दबा के घुमाया तो हमारे आलू बाहर निकल जाएंगे और हमारा पराठा ठीक से नहीं बन पाएगा। ये देखिए, ये हमारा आलू का पराठा बिल्कुल तैयार है। अब हमने तब, अब मैं दो लोई का और बता देती हूँ आपको, दो परत का पराठा कैसे बनाया जाता है। हमने दो इतने साइज की दो लोई ले ली, छोटी छोटी बराबर के साइज की दो लोई ली है। और इनको हमने हल्के हल्के थोड़ी थोड़ी सी भील के इस तरीके से ऐसे बेल लिया। ये उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है जिन्हें पराठा बनाना नहीं आता है और या फिर स्टफिंग करनी नहीं आती, और वैसे ये टेस्टी भी बहुत लगता है। ये हमने इसमें एक एक जो हमने लोई बेली है उसमें हम थोड़ी सी चिकनाई लगाएंगे, फिर उसमें मसाला रख देंगे इस तरीके से, और दूसरी को उठा के इस तरीके से हम उसको बंद कर देंगे। ये बंद कर दिया, ये बहुत आसान है, ये बहुत आराम से बना सकते हैं जिन्हें पराठा नहीं बनाना आता। ये देखिए, इधर से हमारा ये पराठा सिक गया है और हमने इसे पलट दिया है दूसरी तरफ से सेकने के लिए। थोड़ा थोड़ा सिकता रहेगा। इधर मैंने इसे भी बेल लिया है, ये देखो ये भी तैयार है हमारा बिल्कुल पराठा। अब आप आइए, मैंने इसमें अपने जिसको जिस तरीके से चिकनाई खानी होती है वो अपने हिसाब से लगाता है। मैं हल्की चिकनाई वाला पराठा बना रही हूँ, क्योंकि ये ऊपर से मक्खन से लगा के खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और आलू का पराठा हरी चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। आम का अचार, मक्खन और हरी चटनी के साथ, दही जो चाय या दूध भी लेते हैं तो वो दही के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा तैयार, कितना खूबसूरत पुलाव बन के तैयार हुआ है। पराठा रोटी बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है, घबराना नहीं चाहिए। हम इसको एक दो बार, जैसे कि किसी भी चीज का कोई भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बना नहीं है। ये देखो मेरा पराठा बन के तैयार है। इसी तरीके से हम ये जो डबल परत वाला पराठा है इसको भी बना सकते। सेकने का तरीका वैसे तो आपको आएगा। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए मेरा आलू का पराठा तैयार है। और इसी तरह की जो नई मतलब नई भी नहीं है, ये पुरानी ही रेसिपीज हैं जो लोगों को बनानी नहीं आती हैं, मैं उनकी इसी तरीके से हेल्प करती रहूंगी। मेरे से नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।